जी तो हो गया सब बढ़िया जी। मैं हृदेश और आप लोग देख रहे हो इट्स डब्ल्यू हृदेश यूट्यूब चैनल। तो आज का कुछ अलग सा वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीखूंगा AFX वीडियोस को क्रिएट करना। लेकिन उससे पहले भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को ऑल पे जाकर सेलेक्ट कर दो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को सबसे पहले आपको देखने के लिए, हाँ जी क्योंकि आपको देखना है मुझको नहीं, तो सब्सक्राइब कर देना। तो अभी चलते सीधे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, आपको स्टेप बाय स्टेप समझा जाओगे भैया AFX वीडियो कैसे बनाना है। और ये वीडियो प्रॉपरली रॉ होने वाला है, मतलब इसके अंदर कोई भी स्प्लिट वगैरह कट्स वगैरह नहीं यूज़ करने वाला हो। अगर ये 30 मिनट का होगा तो 30 मिनट आपको एक्सप्लेन करके मैं वीडियो बनाता हूँ, तो शायद वीडियो लंबा हो सकता है। सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल वाले आइकन को भी हिट कर देना। चलते सीधे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि AFX वीडियो को कैसे क्रिएट किया जाता है। लेट्स बिगिन। अगर आपको AFX वीडियो को क्रिएट करना है तो आपको कुछ एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैंने अपने स्मार्टफोन के अंदर ओपन क्या है कैपकट और एक VPN, आप किसी भी प्रकार का VPN का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा पांडा VPN की, जिसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मेरा स्मार्टफोन के इसके अंदर मैं पूरा वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ। फर्स्टली हम पांडा VPN को ओपन करेंगे, उसको ऑन करेंगे किसी भी कंट्री के अंदर जिसके अंदर कैपकट अवेलेबल है। हमने इसको ऑन कर दिया है, अभी हम कैपकट को ओपन कर देंगे। इसके अंदर हमें पूरा एडिटिंग करने वाले। मैंने एक प्रोजेक्ट को बना के रखा है, आई कॉल सी यू दिस इज प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैंने ये प्रोजेक्ट बना के रखा है, ठीक है। ये मेरे को सीन पैक्स नहीं मिले थे, आई वॉज की ये एक फिल्म को डाउनलोड करके उसके अंदर से ये मैंने सीन्स को कट किया है। आपको अगर सीन्स पैक चाहिए तो उसका भी लिंक मैं शायद अगले वीडियो के अंदर दे दूंगा, या तो इसके रिलेटेड एक अलग सा वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा। डोंट वरी। तो मैंने इसके अंदर कुछ सीन्स को ले लिया है। आई वॉज फाइंड वन सॉन्ग जो कि मैंने पहले से कर दिया है, सॉन्ग को फाइंड कर दिया है। इधर से ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा साउंड्स के ऊपर, और एक सॉन्ग को इधर ऐड करूँगा अपने फोल्डर से, इसको मैंने डाउनलोड करके रखा है। आई वॉज फाइंड इधर 69, मुझे ये सॉन्ग मिल जाएगा। तो मुझे ये सॉन्ग मिल चुका है, तो हम सबसे पहले इसको ऐड कर देंगे। तो ये सॉन्ग बहुत ही बड़ा है, हमें सॉन्ग बिल्कुल पूरा नहीं चाहिए, हमको उसके अंदर का कुछ वाइब भी चाहिए जो कि मैं सुन के इसको ऐड करने वाला हूँ। इधर से मुझे ये सॉन्ग चाहिए, आई वाज क्लिक ऑन देयर, ओके। और इसको एक स्प्लिट लगा दूंगा, पीछे का साइज को पूरा डिलीट कर दूंगा, और जहाँ से हमारा वीडियो का मेन पार्ट चालू होता है ना, वापस को लेके आ जाऊँगा कुछ ऐसे लॉन्ग प्रेस करके। और ये पूरा रो वीडियो होने वाला है। ये यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है, तो हमने यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया है। अब ये सॉन्ग के ऊपर क्लिक करेंगे और इस एरो को क्लिक करके यहाँ पर पूरा एक्सपेंड कर देंगे। अपना ये पूरा एक्सपेंड हो चुका है, और एक क्लिप का ऑडियो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, वैल्यूज़ के अंदर जाएंगे और उसका वैल्यू अप टू 300 कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, वो ठीक है मैम, इस पर्सन का प्यार कैसे हुआ? तो कुछ इस टाइप से करेंगे। हम कुछ देश से है, जब हम 10th में थे। अभी नीचे के साउंड के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो फिर आपको बीट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे ये देख सकते हो बीट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जनरेट बीट्स कर दीजिएगा। अगर आपका नेटवर्क अच्छा रहेगा तो ये आराम से हो जाएगा। तो अगर आपके पास नेटवर्क अच्छा ना, तो आप इसको बेसिकली भी मतलब स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर आप बीट्स लगा सकते हो। तो फर्स्ट मैं सुनूंगा और पूरे बीट्स लगाऊंगा आपको। एग्जांपल के लिए मैं विदाउट बोले हुए आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप से इसको बीट लगाना है। तो सबसे पहले आपको सॉन्ग सुनना है, काजी का हद तक रखना है, और मतलब आपको जहाँ पे स्टार्ट करना है वहाँ पे एक ऐड बीट करना है। सपोज यहाँ पे ये खत्म होने वाला है, तो हम यहाँ पे और एक बीट ऐड करेंगे, मतलब इसके बीच में हमारा एक क्लिप रहेगा। कुछ इस टाइप से आपको उसके अंदर बीट्स को ऐड कर देना है। कुछ यहाँ पे आ रहा है बीट्स, तो हम यहाँ पे एक बीट्स लगाएंगे जिसको पूरा सुन लेंगे और पूरे के अंदर बीट्स लगा देंगे। मैंने अप टू 35 सेकंड्स तक इसके अंदर बीट्स को ऐड कर दिया है, और इससे ज़्यादा मेरे को शायद नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम साउंड के सेक्शन से बाहर आ जाएंगे, तो अपना कुछ स्टेप से बन चुका है। मैंने ये क्लिप्स को ले लिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था इसको क्लिप्स को लेना, जिसके बारे में मैं आपको शायद अगले वीडियो में बता दूंगा। इसके रिलेटेड भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको भी देख सकते हो। हम हमारा फर्स्ट बीट यहाँ तक है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे कुछ लाना है।
थोड़े से कट्स लगा के मैं इसको एकदम प्रॉपरली यहाँ तक लाना है। सो हम इसको कम कर देंगे और इसका थोड़ा सा स्पीड को हम प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ा सा उसको माइनस किया था, तो ऑलवेज हम इसको 9.1 करेंगे, जैसे ज़्यादा ही करना पड़ेगा हमको शायद, कुछ हमने 1.1 कर दिया। सो अभी ये बेटर है, अभी हम इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे वन यहाँ पे लेके आके इसको छोड़ देंगे स्टेप से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक क्लिप्स हो गया, तो हम दूसरा क्लिप्स यहाँ तक है, हम इसको भी कुछ स्टेप से लाएंगे और इसको ऐसे स्प्लिट कर देंगे वाइट करते येलो डॉट के तक। हाँ, यहाँ पे हमारा बीट था। तो सिंपली आपको भी कुछ इस टाइप से इसको पूरे वेट्स को इधर ऐड कर देना है। सो सिंपली मैं भी यही चीज़ को दोहराता हूँ। ओके, जहाँ पे कम है वहाँ पे आप स्पीड पे अंदर जाके इसको नॉर्मली कम कर देना जितना आपको चाहिए। सो तो हमने जितना भी हमारे बीट्स थे ना वहाँ तक हमने प्रॉपरली इसको कट्स लगाए, जहाँ पे कट्स थे वहाँ पे लगा दिए। तो सिंपल विदाउट एनी इफेक्ट्स हम इसको प्ले करते हैं, तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक तो अच्छा है। इसके आगे हम अपना खुद का पर्सनल का एक आउट्रो लगाएंगे, जिसको क्रिएट करना मैंने सेकंड यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लिप बना दिया है, तो आप वो वीडियो देख के जाके देख सकते हो। शायद यहाँ पे ऊपर लिंक आ जाएगा या तो यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ तो आ जाएगा, तो उसको देख लेना जरूर, ठीक है। सो मुझे वो क्लिप मिल चुका है, तो हमारा ये कुछ आउट्रो है। सो हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, 3 सेकंड का है। सो लास्ट में यहाँ तक ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑब्वियसली उसको स्प्लिट मारेंगे और आगे का पार्ट को डिलीट कर देंगे। सो अपना वीडियो कुछ ऐसा, ऑडियो कुछ ऐसा था, उसके बाद इसके अंदर फेड देंगे, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन भी मिलता है फेड का, हम फेड देंगे और इसका कुछ फेड आउट कर देंगे, ठीक है, कुछ ऐसे। तो अभी तक तो हमारा इतना काम तो आराम से हो चुका है। अभी इसके अंदर देने हमको कुछ एडजस्टमेंट वगैरह करना है, बहुत सारे इफेक्ट्स वगैरह डालना है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वीडियो का भी से ज़्यादा फोकस करके देखना, क्योंकि आपको सीखना है ना। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, एडजस्ट लेयर के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे एक डिफॉल्ट ऑटो एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हाँ, ये बहुत हद तक एडजस्ट कर देता है एडजस्ट को, तो हम इसको पॉलिश कर देंगे अप टू 50 रखेंगे, ठीक है, 50% इसने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर दिए है। अपने आउटरो तक हम इसको डाल देंगे, ठीक है, इसके अंदर फिर से पॉलिश कर देंगे। इस बार हम इसके अंदर शार्पनेस को बढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो के अंदर शार्पनेस बढ़ने से क्वालिटी भी बढ़ती है, आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो शार्पनेस को भी प्लस कर दिया है, उसके बाद सैचुरेशन का ऑप्शन है, इसको भी थोड़ा सा प्लस करेंगे, जिससे कि वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। इसको मैं 16:9 में इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। और आपको और एक ऑप्शन मिलता है इसके अंदर, दो टाइप्स के रेश होते हैं, मैं इसको इसके अंदर रेश के अंदर इसको एडिट कर रहा हूँ। सो वी क्वालिटी बहुत बेटर हो चुकी है पहले से, थोड़े से एडजस्टमेंट से बहुत अच्छा हो चुका है, बेटर क्वालिटी आ चुकी है इसके अंदर। अभी तो इफेक्ट्स भी डालने हैं, बहुत कुछ डालना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे, एड ओवरले कर देंगे, और ऐसे स्टॉक इमेज होते हैं ना, स्टॉक वीडियो, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और ब्लैक कलर का इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन करेंगे, अभी स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मास्क का, ये देखो मास्क ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, वो ओरिजिनली होगा, इसको ऐसे घुमा दो, दोनों हाथों से ऐसे दो फिंगर्स का यूज़ करना है और ऐसे इस टाइप से इसको घुमा देना है, ठीक है, तो और इसको कुछ इस टाइप से फेड आउट दे देना है। बहुत आसान होता है ये चीज़ें, लेकिन बहुत सारे बंदे इसको कर नहीं पाते। मैंने भी स्टार्टिंग में ये रियलाइज़ किया था कि भैया ये बहुत मुश्किल है, बट अभी आदत से हुई ना, तो ये कुछ एकदम दाएँ हाथ तक बाएँ हाथ तक लगता है। ओके, सो थोड़ा सा वेट दे दिया, फिर डन कर देंगे इसको, पूरे अपने वीडियो के साथ लेके आएंगे अप टू आउटरो, जहाँ तक मेरा आउटरो है वहाँ तक।
ये दिखने में वीडियोस के अंदर बहुत कूल लगता है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते हैं, तो डेफिनेटली आप यूज़ कर देना। सो ठीक है, इस टाइप से और एक और लेको हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो कि अपना वाटर मार्क होगा, जो अपने फोटोज़ के अंदर मैं इसको ढूंढता हूँ। ओके, सो फाइनली मेरे को मिल चुका है, इसको मैंने ऐड कर दिया है। इसका साइज एकदम से छोटा कर देंगे, नॉट टू लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर कहते हैं इसको, शायद इसको राइट कॉर्नर कहते हैं, इसको अंदर हम इसको सेट कर देंगे। इसका लेंथ भी अपने आउटरो के तक लेके जाएंगे, मतलब भैया कोई वीडियो चुराएंगे ना तो अपना इसके अंदर आना चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारे बंदे इसको कट कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। सो हम इसको ऐसे कुछ लेंगे, क्योंकि आज के समय पे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे बंदे अपना कंटेंट को चुरा लेते हैं और अपने अपलोड चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं। सो ये बहुत अलग सा लगता है, इसलिए हम इसके लिए खास करके मैं अपना वाटर मार्क को इधर ऐड करता हूँ। सो अभी हमको इसके अंदर ऐड कर देना है एनिमेशंस को, मतलब वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना उसको ऐड करेंगे। पहले हम जहाँ पे हम ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना वहाँ पे क्लिक कर देंगे प्लस के आइकन के ऊपर, और आपको शायद बेसिक इसके ये वीडियो बनाते समय आपको शायद बेसिक कैपकट का आना चाहिए। सो मेरा वीपीएन कनेक्ट नहीं हुआ तो मैं एक बार दोबारा से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इसके अंदर आ चुके हम, तो अभी हमको यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन देने, तो हम यहाँ देंगे ब्लैक पेड को और इसका लेंथ करेंगे 0.2 सेकंड्स, उसके बाद डन कर देंगे। ओके, सो अभी कुछ ट्रांजेक्शन कुछ इस टाइप से लगेगा। ओके, सो अभी सबके अंदर हमको फेड देने, तो हम इसके ऊपर से नॉर्मल क्लिक करेंगे, अप्लाई टू ऑल का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर नॉर्मली क्लिक कर देंगे तो ये पूरे क्लिप्स के अंदर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद डन कर देंगे। सो ये हमारा ट्रांजेक्शन रहेगा नॉर्मली, क्योंकि पूरे एप्लीकेशन मतलब पूरे वीडियो के अंदर ये अप्लाई होने वाला है। सो और एक अभी हमको ट्रांजेक्शन देना है, सो हम इसके स्टार्टिंग में आ जाएंगे। इसके बाद एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हमको कुछ एनिमेशन डालना है जिससे कि ये वीडियो और भी ज़्यादा कूल लगे। सो हम इसके अंदर भी शायद फेड इन काम में पॉसिबल, ठीक है कर डाल दे रहा हूँ, फेड इन ये बहुत अच्छा लगता है स्टार्टिंग में, उसके बाद डन कर देंगे। या तो आप यहाँ पे ब्लर का भी ट्राई कर सकते हो। सो मैंने फेड इन डाल दिया है, बहुत अच्छा लगता है ये मुझे, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम ये कोई भी क्लिप के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी पूरे क्लिप्स के अंदर एनिमेशन को आपको डालना है, सो एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉम्बोज के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे कॉम्बो का एक एनिमेशन मिलता है, बहुत अच्छा होता है ये, फर्स्ट में पॉपिंग का है ये। मैं पूरे क्लिप्स के अंदर अपलोड करने वाला, सिंपल स्क्रॉल डाउन मतलब स्क्रॉल अप करूँगा, आगे जाऊँगा, फिर से ये ऐड कर दूँगा। तो मैं पूरे क्लिप्स के अंदर ये वाला एनिमेशन को ऐड करने वाला है, जिससे कि वीडियो लिटरली बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपके पूरे ट्यूटोरियल्स फेस कैम के साथ बनाऊँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके लिए कर रहा हूँ भाई। और लास्ट में अपना आउट्रो है, जिसके अंदर में मुझे एक कॉम्बो एनिमेशन देना है, लेकिन इसके अंदर मैं कुछ अलग देने वाला हूँ। तो मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक मिलेगा, ठीक है वो आपको दिखाता हूँ, डिस्टोर राइट ये वाला मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, ये बहुत ही अच्छा लगता है और ये मेरे पूरे वीडियोस के अंदर होता है, ठीक है आउट्रो के अंदर नॉर्मली, उसके बाद डन कर देंगे। सो अपने एक नॉर्मल वे से तो बन चुका है, लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है इसके अंदर हम बहुत और बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, ठीक है। तो ये इतना भी करके भी आप अपलोड करोगे ना तो अच्छा खासा व्यूज आएगा। तो अगर आप मेरा पॉपुलर वीडियो देखेंगे तो अप टू 1 लाख तो व्यूज जाता है मेरे चैनल के ऊपर, लेकिन अभी तक 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, लेकिन इतना व्यूज आ जाता है आराम से, ठीक है। ठीक है बहुत अच्छा बना है, लेकिन आप इसके अंदर और भी इंक्रीज कर सकते हो। तो वीडियो इफेक्ट्स के अंदर अभी क्लिक कर देना है, ठीक है वीडियो इफेक्ट्स के अंदर आना, उससे वीडियो इफेक्ट्स ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंडिंग के शायद मैंने एक सेव के अंदर एक सेव करके रखा है ग्लो, इसको बोलते हैं इड ग्लो, ठीक है ये आपको मिल जाएगा लेंस वगैरह पे, शायद ये लेंस के अंदर मिलता है, ठीक है। लेंस के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके इड ग्लो का यहाँ पे सर्च मतलब ढूंढ लेना है, इसको क्लिक करना, उसमें पूरे वीडियो के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है डन कर देना। उसके बाद एडजस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे ग्लो बहुत ज़्यादा है तो हम इसको कम से कम 5 के आगे रखने हैं, 6-7-8 जितना आप लग सकते हो, ठीक है। तभी हम फिर से भी उसी इफेक्ट्स को मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ कि शायद वो मुझसे गलती से डिलीट हो गया, तो भी हम फिर से उसको ऐड कर देंगे, ठीक है एडजस्ट के अंदर जाएंगे, इसका 8-9 रखेंगे हम, इसको स्टार्टिंग में ले जाएंगे कुछ इस टाइप से। तो ये पूरे अपने वीडियो के ऊपर अपलोड कर देंगे, जिससे कि बहुत अच्छा लगता है वीडियो, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपलोड पूरे वीडियो के अंदर डालूंगा मेरे आउटरो तक,
शायद बॉबी भी बहुत ज़्यादा ब्लर मतलब ग्लो आ रहा है इसके अंदर, तो मैं इसको प्रेफर करूँगा जितना कम रख सकते हो उतना कम रखो। ठीक है, मैं 5 रख दिया अभी, अभी ये परफेक्ट आया है इसके अंदर, मुझे तो ये बहुत पसंद आया अभी। लेकिन अभी हमको एडजस्ट लेयर के अंदर जाके ना, जो हमारे एडजस्ट लेयर थी नॉर्मल वाले, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, पॉलिश के अंदर क्लिक करेंगे, अभी शार्पनेस को बढ़ाएंगे क्योंकि अभी ग्लो ऐड किया तो शार्पनेस को बहुत कम हो चुका है, तो हम यहाँ पे ग्लो मतलब शार्पनेस को ऐड करेंगे। अभी क्वालिटी भी बेटर है तो आप इसको फुल स्क्रीन करके भी एक बार देख सकते हो कि क्वालिटी भी अच्छा हुआ है। लेकिन हम इतने से ही अपलोड नहीं करते, हम इसको और भी क्वालिटी इंक्रीज़ करते थे, इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं आने वाले समय के अंदर, मैं उस सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रॉपरली वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप अपने वीडियो मतलब स्मार्टफोन के बदौलत कि आप किसी भी एक ख़राब से वीडियो की क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। सो वो वीडियो भी आने वाला है बहुत ही जल्दी, आने वगैरह अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना भाई, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अलग अलग कॉन्टेंट आने वाला है चैनल के ऊपर। सो अभी ये बहुत अच्छा हो चुका है, आप इसको और भी बेटर कर सकते हो अगर आपको लगता है। आप बहुत अच्छा बना सकते हो मुझसे भी, ठीक है, मैं तो ये बेसिकली किया है, आप भी इस टाइप से कर सकते हो या इससे भी अच्छा कर सकते हो। मैं आपको मतलब सिर्फ समझा रहा हूँ कैसे करना है, आप इससे भी अच्छा कर सकते हो, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, बहुत कुछ मिलते हैं इसके अंदर, आप वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, इसके बाद आपको यहाँ पे 1080p हाई रेजोल्यूशन, अगर आपका 4K सपोर्टेड मोबाइल है तो आप 4K कर सकते हो, और इसके बाद पहले इस बटन के ऊपर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर दो। तो मैं इसके अंदर और थोड़े से बेसिक चीज़ें करने वाला हूँ और बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है, और इसका प्रीव्यू का मतलब इसका ओरिजिनल जो वीडियो बनाए मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उधर से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, और एक लाइक जरूर कर देना है, आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, सो एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत अलग से वीडियो में बनाने वाला हूँ, अच्छे अच्छे भी होंगे आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर देखना, और आपको प्रॉपर एक एडिटर के बना के जाने वाला हूँ आज के साथ, 2024 में बहुत कुछ आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना यार। तो जैसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, खाते पी रहे हो।